आतंकवादी संगठन अलकायदा प्रमुख ओसामा भले ही अमेरिका के हाथों मारा गया हो, लेकिन अमेरिका उसके पूरे कुटुंब को मार देना चाहता है। ओसामा के बाद अब अमेरिका के निशाने पर है उसका बेटा, और इसके लिए अमेरिका ने एक बड़ी रकम को इनाम के तौर पर रखा है। ट्रंप प्रशासन अब ओसामा के बेटे को ढूंढकर ओसामा की ही मौत मारने की फिराक में है। अमेरिका ने हमजा बिन लादेन का पता बताने वाले को $10,00,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओसामा बिन लादेन के बेटे का पता बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा कि हमजा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस पर हमले की साजिश रच रहा है, इसी को देखते हुए इतने बड़े पुरस्कार का ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश विभाग के अधिकारी एमटी इवानोव ने कहा कि हमजा अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले की साजिश रच रहा है। उसने हमले की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि ये कदम अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ मौजूद हर एक हथियार के इस्तेमाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी नाथन सेल्स ने कहा कि अलकायदा काफी वक्त से शांत बैठा है, लेकिन ये शांति राजनीतिक चुप्पी है और वो हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि अलकायदा के पास अमेरिका पर हमला करने की क्षमता और इरादा दोनों ही हैं। अब अमेरिका ओसामा के बेटे के खात्मे की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि अलकायदा के सरगना रहे ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन ने पिछले दिनों शादी कर ली थी। ओसामा बिन लादेन के सौतेले भाइयों ने द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। इसी इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि ओसामा के बेटे हमजा को अब अलकायदा में काफी ऊंचा पद मिल गया है और वो अपने पिता की मौत का बदला लेने की फिराक में है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में हमला कर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और 9/11 आतंकी हमले का बदला लिया था।